हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं तो हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया चलो स्टार्ट करते आज हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर के जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका एक नया लेक्चर यूरिनरी ट्रैक्ट या यूटीआई यूरक्शन बोल देते हैं ठीक है ना ये भी नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा है ना यहाँ पे जो चीजें पढ़ रहे हैं लगभग सारी चीजें तुम लोग जानते हो बस थोड़ा सा उसको लिखने के पर्पज से हम यहाँ सीख रहे हैं इतने समझदार तुम लोग हो कि सारी चीजें तुमको पता है केवल एक छोटी सी हेल्प चाहिए तुम लोगों को वो क्या है कि लिखना क्या है उसके अंदर ठीक है ना तो वो चीज आओ मैं तुम लोग को बताता हूं सिखाता हूं ठीक है और जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो तो ध्यान से देखें और लेक्चर को सुने ठीक है तो क्या कह रहा है डेफिनेशन डेफिनेशन की बात करें यूटीआई इज एन इंफेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम सिंपल आपके यूरिनरी सिस्टम में जो आपका किडनी से लेकर के फाइनल पेनिस तक जो वहां पर यूरिन पास होती है उस पूरे पार्ट में कहीं पे भी इंफेक्शन हो जाएगा तो यूटीआई कहलाता है जैसे कि योर किडनी यूरेटर उम्मीद कर रहा हूं यूरेटर और किडनी है ना ये पार्ट ब्लैडर यूरेथरा उम्मीद करता हूं ये सारे पार्ट जानते होंगे तुम लोग ठीक है ना ये किडनी हो गया ये यूरेटर हो गया ये ब्लैडर हो गया और जो यहां पर लास्ट में आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं यूरेथरा कहते हैं ठीक है ना ये कॉमन सा चीज है किडनी वाला बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने डायग्राम पढ़ा होगा चीजें जानते होंगे ठीक है यूटीआई ऑकर ड्यू टू अब कह रहा है मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक ज्यादातर इंफेक्शन में क्या होता है लोअर वाला पार्ट जो अपना ब्लैडर और इसके आसपास वाला पार्ट में इन्फेक्शन रहता है द द ब्लैडर एंड यूरियथ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन यूरिन क्यों होता है यूरिन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हर बॉडी में कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं लाइक बैक्टीरिया आ जाएगा तो सर बैक्टेरिया यूरिया कह देंगे और फंगस होगा तो फंगी यूरिया कह देंगे क्लासिफिकेशन की बात करें तो कह रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है एनाटॉमिक साइट किस पार्ट को उसने इन्फेक्ट किया हुआ जैसे कि लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्लैडर को कहेंगे अगर, कहेंगे अगर यूरोक्शन हुआ है प्रोस्टाइटिस कहेंगे अगर प्रोस्टेट इंफेक्शन हुआ है एपीडीडिमाइटिस ठीक है ना अगर एपीडी जो एपीडी वाला पार्ट है अगर वो इन्फेक्शन में आ गया है तो उसे एपीडी डायमिटिस कह देंगे ठीक है थोड़े से वर्ड जो है टंग ट्विस्टर है ओके okay. अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर ऊपर हुआ है uh, कि तो डिटेल में पढ़ा था अगर वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग पायलो नेफ्राइटिस बोल देते हैं क्लियर है अब बात करें एटोलॉजी की तो एटोलॉजी में अगेन क्या है माइक्रो ऑर्गेजम है यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर कॉस्ड बाई माइक्रो ऑर्गनिजम कौन कौन है उसके नाम याद रख लेंगे हम लोग ठीक है यूजली बैक्टीरिया जनरली क्या होता है बैक्टीरिया होता है दैट एंटर द यूरेथरा एंड ब्लैडर कॉजिंग इनफ्लामेशन जो ब्लैडर यूरेथरा में एंटर कर जाता है ठीक है इंफ्लामेशन करता है और इंफेक्शन क्रिएट कर देगा दो आ यूटीआई मोस्ट कॉमनली हैपन इन द यूरेथरा जनरली कहां पाया जाता है यूरेथरा में होता है एंड ब्लैडर पाया जाएगा बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रेवल अप द यूरेटर एंड इन्फेक्ट योर किडनी बैक्टीरिया ऊपर चढ़ जाता है ठीक है और वो आपके यूरेटर किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकता है ठीक e. e. in है मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ ब्लडर इंटेस्टाइन में आ जाता है ठीक है और इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है अदर कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और दूसरे कौन कौन है इकोलाई e. मेन याद रखोगे ठीक है दूसरे कौन कौन से कैंडाइडा स्पीसी है एंट्रोकोकस क्लिबिशला है

ट्रैक्ट जो पूरा किडनी से लेके लेकेथरा तक का पार्ट है उसकी एपेथेलियल मतलब देते हैं सेल कॉजिंग इरिटेशन वहां इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी इन्फ्लामेशन हो जाएगा ठीक है तो इन्फेक्शन कैन स्टार्ट इन द यूरेथरा फिर यूरेथरा में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड कैन प्रोग्रेस इट्स वे अप और अपी धीरे ऊपर बढ़ता है ब्लैडर की तरफ फिर यूरेटर की तरफ और फाइनली किडनी की तरफ इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा और ब्लैडर इज नोन एज लोअर यूनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन Urethra या ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा तो लोअर यूनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है जबकि जबकि मतलब इन में हो रहा है। a, इसको हम लोग बोल देते हैं अपर इन्फेक्शन वुमेन टेन टू बी मोर प्रोन वुमेन्स को ज्यादा संभावना होती है ऐसा क्यों है क्योंकि उनका जो वेजाइनल पार्ट है और जो यूरिनरी का जो एंड होता है जहां से यूरिन पास आउट होती है वो काफी क्लोज होते हैं और दूसरा क्या कारण होता है हमारे में जो मेल्स होते हैं उसमें यूरेथरा क्या होता है लंबा होता है करीब करीब साइड 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है फीमेल्स में यूरेथरा काफी छोटा होता है यूरेथरा ब्लैडर से बस बहुत छोटा सा चार पांच सेंटीमीटर होता है काफी क्लोज होता है तो काफी ज्यादा संभावना होती है कि वो क्या होता है ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांस वोमेन में, में ज्यादा होते हैं मोर प्रोन टू यूनिटेक इंफेक्शन ड्यू टू देर एनाटोमी उनकी एनाटोमी ऐसी है जो बता रहा था मैं अभी देर यूरे इज शॉर्टर Then the urethra, साफ साफ बोल रहा है उनका यूरेथरा क्या होता है छोटा होता है मेंस के में एंड दस बैक्टीरिया कैन रीच द ब्लैडर ब्लैडर तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है मोर इजिल इन एडिशन ऑफ वुमेन्स वुमेंसरा ओपनिंग इज लोकेटेड क्लोजर टू द एनस एनस के काफी क्लोज रहता है वो मेकिंग इट इजियर फॉर बैक्टीरिया टू माइग्रेट फ्रॉम एनस टू द यूरेथरा ठीक है ना और इस तरीके से क्या है अगर जो काफी ज्यादा हमको पता है कि जो फिकल मैटर होता है जो पटी वाला पार्ट होता है वहां से हमारे उसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया पास होते हैं बाहर निकल जाते हैं तो वहां से यूरेथरा तक पहुंचने में काफी आसानी रहती है फीमेल के केस में तो यहां पर तो देखो जरा यहां से इंफेक्शन स्टार्ट होता है यूरेथरा यूरेथराइटिस युरेथरा युरेथरा हो जाएगा ठीक है फिर ऊपर बढ़ेगा ब्लैडर की तरफ सिस्टाइटिस हो जाएगा ठीक है फिर और ऊपर बढ़ेगा ठीक है किडनी पे आ जाएगा तो हो जाएगा तो देखो यहां पे जा रहा यानी कि कॉलोनी बनेगी। बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन इन एपिथेलियल परेशन अब यहां पर क्या है? एपिथेलिया को पेनेट्रेट करेगा यहां पर कॉलोनी बना ली इसने फिर यहां पर ऊपर आ जाएगा तो एपिथेलिया को पेनेट्रेट करेगा बैक्टीरिया फिम्रे अलाउ फॉर अटैचमेंट एंड पेनेट्रेशन और Of होते हैं. फिर जब यहां पर जुड़ गए फिर यहां पर क्या होगा असेंसन यानी कि सफिशियंट बैक्टीरियलोनाइजेशन कैन लीड टू बैक्टेरियल थ्रू द यूरेटर अब यूरेटर की हेल्प से बहुत ज्यादा कॉलोनी हो जाएगी तो यूरेटर की हेल्प से ये ऊपर बढ़ता है ऊपर बढ़ रहा है ये अब पायलोनेफ्राइटिस बैक्टीरियल जो ऊपर बड़ा है हेमे, स्प्रेड इनफेक्ट द रीनल एंड रिजल्ट इन रीनलोफ्राइटिस तो सीधी सी बात कह रहा है जो ऊपर बड़ा ये यहां पर उसने क्या किया एसेंसन या हेमाटोजीनस स्प्रेड जो ये क्या हो रहा है फैल गया है यहां पर इसकी वजह से क्या हो किडनी इन्फेक्ट हो जाएगी तो पायलोनेफ्राइटिस और कंडीशन बनी रही

मतलब उसने कॉलोनी बना ली एंड मूव अपवर्ड टू एंड अपवर्ड टू यूरेटर में हमेशा कहता आया हूं फर्स्ट ईयर में खूब बोला मैंने लकीर का फकीर नहीं बनना है ठीक है चीजों को अगर टफ लग रही है याद नहीं होगी तो उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करो भाई बात समझ में आ रही है क्योंकि डायग्राम वगैरह होते हैं जो हम लोग लेते हैं ठीक है बुक से या किसी और से ठीक है तो वहां पर क्या वही लैंग्वेज आ जाती है तो वो उस डायग्राम में हम लोग चीजों को कई बार कन्वर्ट नहीं कर पाते तो कोशिश करो जो चीज समझा दी है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो आसानी हो जाती है है ना ये नहीं कि जो सर ने बोल दिया असेंसन है तुम कह सकते हो मूवमेंट लिख सकते हो चॉइस है तुम्हारे पास ठीक है ना जो चीज आसानी से याद हो क्योंकि हमें नंबर लाने हैं और पास होना है क्लियर बाते है बातें ठीक है आगे आते हैं देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे बहुत सिंपल है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कुछ भी लिख सकते हो ठीक है अच्छा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कौन सी साइट और पेशेंट की एज क्या है इन दो चीजें पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के लक्षण आएंगे तो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन साइट की बात करें अगर यूरिथराइटिस है तो डिसकंफर्ट इन वाइडिंग वाइडिंग मतलब जब आप खाली करोगे यूरिन पास करोगे तो दिक्कत आएगी डिस यूरिन को पास आउट करने में डिस्कम्फर्ट होगा अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जल्दी करना है मेरे को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आ रही है सिस्टाइटिस अगर हो जाएगी तो डिस यूरिया डिस्कम्फर्ट तो तुम लोग क्या करोगे ये पार्टनर लेकर के यहां से ये यह उठा लोगे पांच छह पॉइंट की क्या क्या दिक्कतें आती हैं खेल खत्म या पॉइंट लिख के हेमराजिक देना चाहते हो दे दो पायलोन इन्वेसिव नेचर सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस फीवर एंड चिल्स ठीक है ना तो तुम लोग क्या कर सकते हो दोनों तरीके हैं किस पार्ट को अफेक्ट हुआ है उसका एक एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे सकते हो या ये पार्ट हटा दो सीधा लिख दो डिस अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी पेल्विक डिस्कम्फर्ट ठीक है ना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन फीवर एंड चिंस इस तरीके से ये लिख सकते हो ये भी चल जाएगा क्लियर है बातें अब यहां पे थोड़ा सा डिटेलिंग कर रखी है मैंने जिससे कि जो बच्चे डिटेल में समझना चाहते हैं वो समझे अगर एज की बात है तो बेबीज एंड इन्फेंट में इन्फेंट्स एंड जो बच्चे होते हैं फेलियर टू थ्राइव थ्राइव थ्राइ मतलब प्रेशर से पेशाब को बाहर नहीं निकाल पाएंगे फीवर आएगा एपैथी और डायरिया ठीक है ना चिल्ड्रन की बात करें तो डिसूरिया अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी हेमेटो यूरिया हेमेट हीम आ मतलब ब्लड आता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो गया और वोमिटिंग एबडोमिनल पेन बेटा अब ये सारे टर्म्स हमारे ना हम लोग क्या कर चुके हैं कहीं ना कहीं पीछे पड़ चुके हैं तो इसलिए मैं उनको रीड कर देता हूं कि ये टर्म्स केवल याद कर लो और कहीं तुम्हें लगता है कि अरे सर ने तो कोई चीज बताई नहीं यहाँ पर समझाई नहीं वो अब्डुमिनल पेन एबडोम मतलब यहाँ पार्ट होता है सबको पता है तो अगर कहीं तुम्हें लगता है तो हम कहीं ना कहीं पहले डिस्कस कर चुके हैं उस टर्म को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हम लोगों ने तुमको अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसको तुरंत क्या करो हमेशा कहता हूं कोई टर्म लगता है तुम्हें कि अरे यार इसका टर्म को पता होना चाहिए तो गूगल पर जाओ तुरंत उसको देख लो और आगे बढ़ो फिर अडल्ट की बात करें तो लोअर यूटीआई हाँ ये लिख सकते तरीके से लोअर यूटीआई होगा तो फ्रिक्वेंसी डिस यूरिया अपर यूटीआई होगा तो इस तरीके से ये दे दोगे तब भी चल जाएगा अब non -pharmacological हम सबको पता है हम सब लोग जानते हैं कि जब यूटीआई हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई पानी पियो ज्यादा से ज्यादा तो हाइड्रेशन इनटेक वाइडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स कोशिश करें कि आफ्टर हैविंग फिजिकल इंटरकोर्स सेक्स करने के बाद क्या करें टॉयलेट कर ले जाकर के इंजेक्शन ऑफ क्रेनबेरी जूस क्रेनबेरी जूस में क्या इंजेशन uh, है इंजेशन मतलब खाना है क्रेनबेरी जूस क्या करता है हमारा जो यूरिन है उसको अल्कोलीन बनाता है जिससे क्या बैक्टीरिया पनप नहीं पाता है ईटिंग दही खाएं एप्लीकेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया को करने वाली क्रीम्स आती हैं अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन ना हो आपको उसके लिए मेडिसिन खाते रहें फार्माकोलॉजिकल में अपनी कॉमन दवाइयां हैं नॉर्फ्लॉक्सोसिन ज्यादातर लोग जानते होंगे यूटीआई में नॉर्फ्लॉक्सोसिन चलाया जाता है देन सिप्रोफ्लॉक्सोसिन कोट्राइमाजोल ट्राइमोक्साजोल हो गया सेफलेक्सिन आ गया सेपोडोक्सिम आ गया अमोक्सिलिन एसिड आ गया और नाइट्रोफेरेंटाइन आ गया तो कुछ दवाइयां हैं जो कि फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट में चलाई जाती हैं जिससे कि यूटीआई को रोका जा सके खत्म किया जा सके क्लियर है बातें तो टफ नहीं था और यह आ गया अपना ऐप <laughs> के बारे में बातें तो छोटे छोटे लेक्चर हैं पढ़ते रहना है रिवाइज करते रहना है और रिवाइज ही करना है बिना रिवाइज के चीजें याद नहीं होंगी फिर बता रहा हूं मैं दिक्कत दिक्कत में आ जाओगे ठीक है ना तो पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो ऑल द बेस्ट